जम्मू कश्मीर में आतंकी अभी भी एक्टिव हैं और सीआरपीएफ पर अक्सर अटैक कर रहे हैं, लेकिन रविवार को दोपहर 1 बजे के करीब उन्होंने सीआरपीएफ की पेट्रोल पार्टी पर श्रीनगर के लाल चौक के पास किया। ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस हमले में 2 जवान और कुछ स्थानीय लोग जख्मी हुए हैं। Somebody has taken the advantage of a Sunday market and thrown a grenade at the CRPF deployment here. As a result, 2 persons have been injured. The injuries are not serious. श्रीनगर के लाल चौक पर प्रताप पार्क में जहां ग्रेनेड से हमला किया गया, वो बेहद पॉश इलाका है। यहां कई बड़े अखबारों का दफ्तर है और साथ में श्रीनगर के पुलिस कप्तान का ऑफिस भी यहीं पर है। ऐसे में सवाल है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी कैसे आतंकियों ने हमला कर दिया। Likely it is that they are trying to create some kind of apprehension among the locals so that the return of normalcy is not there. जम्मू कश्मीर में सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं और हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला से लश्कर तैयबा के आतंकी साजिद फारूक डार को गिरफ्तार किया था। वहीं 25 जनवरी को जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर कारी यासिर के साथ 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया था। अपने टॉप कमांडरों के मारे जाने के बाद छोटे मोटे दहशतगर्दों के जहन में नाराजगी है और वे सुरक्षा जवानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिशों में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार की सुबह विश्व हिंदू महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लखनऊ के पॉश इलाके हजरतगंज में रणजीत बच्चन को गोली मारी गई। रणजीत के भाई को भी गोली लगी है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और 6 टीमों का गठन कर जाँच की जा रही है। हजरतगंज इलाके में CDRI के पास बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला। बदमाशों ने उनके सिर में गोली मारी जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बचाव में आए उनके भाई को भी गोली लगी है। पूर्व कमलेश जी की हत्या हुई, वो भी इसी विचारधारा के व्यक्ति थे। ये उनसे भी ज्यादा उग्र थे, ये बहुत अस्पष्ट बोलते थे, ये बहुत निर्भीक थे। इससे पहले हिंदू नेता कमलेश तिवारी की हत्या भी लखनऊ में हुई थी और अब रंजीत बच्चन को गोलियों से भूना गया है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है, लेकिन लखनऊ में हिंदूवादी नेताओं पर जानलेवा हमले पुलिस की साख पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।